बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए मैंने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की है। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एम्बुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्राथमिकता 6 पर आती हूँ, युवा शक्ति। हमारे युवाओं को सशक्त करने के लिए और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए हमने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4। प्रधानमंत्री कौशल अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।